अम्मा बाबा टीमें अब प्रयास करेंगी कि कहीं ना कहीं एक फाइट तो एटलीस्ट कमिट कर ले या फिर एक कंपाउंड पे कंटेस्ट कर लिया जाए। मीनवाइल अगर आप बात करें टीम एक्सपर्ट टॉप 10 तक जगह तो बना चुकी है, केवल एक ही फिनिश उनके पास से ज्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व नजर नहीं आए, पर जो फाइट के चांसेस मुझे लग रहे हैं वो है टीम फॉरएवर के साथ। दूसरी तरफ टीम एक्सो अच्छी पोजीशनिंग का खूब फायदा उठाती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा फिनिशेस में नजर आ रही है और यहां पे 7C के आखिरी खिलाड़ी स्प्रेगॉड भी एक फिनिश निकालते हुए नजर आएंगे, बिकॉज़ 7C जिन्होंने स्टार्टिंग में काफी सारे प्लेयर्स गवा दिए थे, अब अकेले खिलाड़ी स्प्रेगॉड अपनी टीम को टॉप 10 तक ले आए हैं, क्या उन्हें और आगे ले पाएंगे। टीम एक्सो इस अमेजिंग पोजीशनिंग का बहुत अच्छा विलुप्त उठाती हुई कहां तक जाती है, कितने फिनिशेस और निकाल पाती है एंड कौन सी वो टीम होगी जो इनसे क्लोज रेंज जाके फाइट करेगी, मैं देखना चाहता हूं। जी हाँ बिल्कुल, अभी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हैदराबाद हाइटर्स के प्लेयर स्ट्राइकर भी ब्लीड आउट हो जाएंगे। पैराडॉक्स की तरफ से यहाँ पे डेड प्लेयर के ऊपर स्पेस पड़ेंगे, उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा। नॉट ही 29 खिलाड़ी ओएस इज ट्राइंग टू स्काउट द प्लेयर्स, हर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स उस छोटे से शैक के अंदर आपको यहाँ पे देखने वाले हैं। हर एक टीम अलग अलग एरियाज ऑलरेडी होल्ड कर चुकी है, उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा सा ओपन आएंगे उनको स्पॉट किया जाएगा, स्पेस में करी कोशिश चलेगी एंड माइट बी स्पेस कनेक्शन ढूंढ लेंगे एंड एक्जैक्टली टेक डाउन कर दी जाएंगे ओएस की तरफ से। बट लेट्स सी क्या कंफर्मेशन आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि बहुत दूर है, आई डोंट थिंक यहां से आगे बढ़ने वाले हैं उस एक फिनिश को सिर्फ सिक्योर करने के लिए। बट इस पॉइंट से कंफर्मेशन भले ना मिले बट नॉकआउट बहुत सारे मिल रहे हैं। आरी के हीरो को भी यहाँ पे टेक डाउन कर चुके हैं, आरी के ऊपर सबकी ही नजर है क्योंकि काफी ज्यादा पे हर एक टीम कोशिश कर सकती है इनके ऊपर स्पेस देने का एंड इसी चीज के पीछे फंसती दिख रही है टीम। बट जस्ट लुक एट दिस, टीम फॉरएवर पुश कर चुके हैं, सेंसे भी आगे बढ़ चुके हैं, एक्सो टीम फॉरएवर दो टीमें आगे बढ़ी है, इसके साथ साथ टीएक्स आगे बढ़ेगी। इस फाइट का कंट्रोल लेने के लिए ग्रेनेड टॉस किया गया, लेट्स सी क्या ये ग्रेनेड्स कुछ कनेक्शंस ढूंढ पाते हैं या नहीं। मैक्स कास्ट की मौली अल्ट्रॉन को डाउन करेगी, अब स्काउट और मावी द डेडली डुओ बचता हुआ नजर आएगा, बट मावी ही गोज डाउन एज वेल, पूरा का पूरा प्रेशर स्काउट के ऊपर, कैन ही क्लच इट, कैन ही बी द सेवियर, अभी भी ही इज ट्राइंग टू फाइट हिज बेस्ट। एक प्लेयर को डाउन किया बट दूसरी तरफ से थर्ड पार्टी टीम एडमिट की एंड यहां पे टीम एक्सपर्ट 9वें स्थान पे गेम से बाहर। क्या यहां से एक और कोशिश करेगी, क्योंकि अभी के लिए प्लेयर्स 2-2 स्प्लिट के ऊपर है, अलग अलग एंगल्स होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, दूसरी तरफ टीम एक्सपार्क यहाँ पे डाउन करते हुए स्पाइक को नजर आएंगे, फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। ब्लास्टर की तरफ से स्काउट के ऊपर एक ट्रेड फायर हमको देखने को मिलेगा और वो भी इंस्टेंट फिनिश ऑफ करेंगे, बिकॉज अगर जब यहाँ पे टीम एक्सपार्क ने फुली फिनिश ऑफ किया है तो वो भी फुली फिनिश ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे मावी हमको डाउन नजर आ रहे हैं जो कि हमको देखने को मिल रहे हैं। अब अल्ट्रॉन और न्यू प्लेयर दो बचे हुए आखिरी खिलाड़ी, नीचे टीम ब्लाइंड के हमको ब्लास्टर और उनके साथ मास्टर देखने को मिलेंगे, जबकि किलुआ अपने घुटनों पे है। प्रयास यहाँ पे ये किया जाएगा कि रिवाइव किया जाए बट किलुआ का रिवाइवल इतना आसान नहीं है, मावी को तो रिवाइव करके गेम में वापस ला लिया गया है बट न्यू प्लेयर एक अच्छे नीड के साथ पूरे के पूरे पन्ने पलट सकते हैं। अल्ट्रॉन एक शानदार फ्लैंक पे आए हैं, फिलहाल क्लियर स्काउट गेम में नहीं है तो यहाँ पे अब वो अल्ट्रॉन काम कर रहे हैं एज अ फ्लैंकर का, बट लेट्स सी यहाँ पे अल्ट्रॉन कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, क्या यहाँ पे टीम ब्लाइंड के प्लेयर्स को ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं कुछ देर बाद ब्लाइंड यहां से निकलने का प्रयास करेंगे बिकॉज टीएक्स उनके ऊपर है। अल्ट्रॉन की पोजीशन इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं है, गाड़ी की आवाज में भी आई होगी बट टीम ब्लाइंड के प्लेयर्स शायद इस बात को ना जानते हो कि वो इतने पेशेंटली रहेंगे। बट दूसरी तरफ अगर आप मिनी मैप पे देखें तो ओरांगुटांग की टीम है जिन्होंने अल्ट्रॉन को ओपन में पकड़ लिया है एंड अल्ट्रॉन अब उल्टी ही स्थिति में फंस चुके हैं कि ना तो वो यहां पे टीम ब्लाइंड के ऊपर अच्छे से फ्लैंक कर पाएंगे और दूसरी तरफ से उनको ही डाउन करने आ चुकी है दूसरी टीम। ना सिर्फ दूसरी, तीसरी टीम भी आपको नजर आ जाएगी मिनी मैप पे एंड मेरे हिसाब से अल्ट्रॉन के लिए ये एक बेकार डिसीजन साबित होता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज अनलकीनेस बहुत ज्यादा अभी यहां पे हमको देखने को मिल रही है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा फाइट्स भी आपको अब यहाँ पे दिखने वाली हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी सारी की सारी टीम्स क्लोज आती दिख रही है, हर एक एंगल आपके लिए मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा रिस्की साबित होगा। ब्लाइंड की टीम पीछे दिख रही है, बगल में यूडॉग के प्लेयर्स भी दिख रहे हैं, अल्ट्रॉन फंसते से दिख रहे हैं, एक क्या देख लगातार बंधते दिख रहे हैं एरियाज के अंदर। सोलो ओमेगा आगे बढ़ चुके हैं, ग्रेनेड टॉस करेंगे उन स्मोक्स के अंदर, लेट्स सी ग्रेनेड को कनेक्शन मिलेगा नहीं, ऑलरेडी कनेक्शन तो यहाँ पे ढूंढ चुकी थी उनकी, ग्रेनेड टेक डाउन नहीं कर पाए बट एटलीस्ट डैमेज काफी प्यार था, लेकिन ये ग्रेनेड माइट भी अब यहाँ पे वही सेम चीज को पूरी तरीके से कंफर्म कर दे। छोटू के बगल में एक ग्रेनेड आ चुकी है जो माइट भी कनेक्शन ढूंढ पाए लेकिन नहीं, पीछे रह गए, नहीं गए उस ग्रेनेड के लिए अभी करने वाली है। मीनवाइल ओरांगुटान ने अल्ट्रॉन को डाउन कर दिया है, विस्गॉट की तरफ से वो स्प्रे आएगा, मावी बाइक से निकलने का प्रयास जरूर करेंगे बट ओपन है, रिजेस बहुत सारे हैं एंड कहीं ना कहीं इनकी व्हीकल की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है। मावी परेशानियों का सामना करते हुए अकेले ही खिलाड़ी बचे हैं बिकॉज अभी अगर आप देखें
तो उनके टीममेट न्यू प्लेयर भी बाहर हो चुके हैं और लीजिए मावी भी यहां पर डाउन होंगे। आखिरी जो फिनिश है वो टीम सोल को मिलेगा और यहां पे सोल एलिमिनेट करेगी। लगातार आगे बढ़ गई मावी की तरफ से आप स्पेस पड़ेंगे जो कि 8 बिट के सुनामी को टेक डाउन करेंगे। अभी भी स्पेस करने की कोशिश बट 8 बिट के प्लेयर्स सर्कल के बाहर है। एडवांटेज है टीएक्स के पास। सेल्सियस के प्लेयर यहां पे व्हीकल रनओवर्स का इस्तेमाल करेंगे, प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे। कायो की तरफ से यहां पे सेल्सियस प्लेयर 3 को भी टेक डाउन किया जाएगा। मावी इज आल्सो मूविंग फॉरवर्ड सर्कल के अंदर, तो यहां पे पहुंचना एकदम बगल में एज पे सर्कल के अंदर एंट्री ले पाएंगे। उसके बाद स्प्रेस करने की कोशिश करेंगे बट उससे पहले यहां पे टीएसएफ भी स्पेस देगी। एंड जस्ट लाइक इट्स ओपन द यहां पे स्पेस, जैसा कि आपने बोला ओपन एरिया का कंट्रोल बड़ा प्यारा रहता है। एंड जस्ट लुक एट दिस, क्रेट्स फैल चुके हैं पूरे तरीके से यहां पे। मॉब ऊपर बढ़े थे उनको भी स्पॉट किया गया, उनको भी यहाँ पे टेक डाउन किया गया। उससे तेज है पीक की, ब्लेज की पीक और उनकी M416 का स्प्रे। ब्लेज यहाँ पे एक क्लोज इनिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं बट उसको कैंसिल करने के बाद गन निकालने का प्रयास, गन नहीं निकल रही। एक्विनॉक्स आखिरी खिलाड़ी बचते हुए नजर आएंगे जो कि दूर से कवर जरूर दे रहे थे बट टीएक्स के दो प्लेयर्स हैं, दो एंगल से फाइट करनी पड़ेगी। एक होलोग्राम है, कोई भी स्कोप नहीं है। निंजा लॉर्ड रिवाइव होने के बाद गेम में वापस जरूर आ चुके बट क्या यहाँ पे ब्लेज और एक्विनॉक्स के सेवियर बनेंगे। टीम एक्सपार्क इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। उस तरफ स्काउट नॉक है, उनको रिवाइव दिया जा रहा है बिकॉज चौथा सर्कल जल्दी शुरू होगा और यहाँ पे टीएसएम की टीम लगभग बिखर चुकी है। मावी का ये नेड एक डिसाइडर होगा स्मोक के अंदर। लीजिए नेड आया है, परफेक्ट है और यहां पे पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो सकती है बट उस नेड से बच जरूर जाएंगे। वो नेड इतना अच्छा नहीं हमको देखने को मिला, थोड़ा बहुत डैमेज जरूर दिया बट दूसरी तरफ अल्ट्रॉन का नेड एक्विनॉक्स को फिनिश ऑफ करेगा और आखिरी खिलाड़ी आई गेस प्ले जोन से गेम से बाहर हो सकेंगे। आई विल लव टू सी, जी नहीं, अल्ट्रॉन उनका फिनिश सिक्योर करेंगे। टीम एक्सपर्ट 11वें पायदान पे यहाँ पे टीम टीएसएम को बाहर करेगी। एक पल को लगा था कि टीएसएम इस फाइट को जीत चुकी है, एक पल को लगा था जिस प्रकार से ब्लेज ने वो नॉक किया बट ये क्या, स्काउट को गाड़ी से सर्कल के अंदर ले जाया जा रहा है। मैंने ये तो सुना था कि आप उठा के आगे ले जा सकते हो बट जिस प्रकार से ऐसे लेके जा रहे हैं दिस इज 200 IQ। जी हाँ बिल्कुल, काफी या थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए इस फाइट से, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे कवर की बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ से यूडॉक के रैम्बो डाउन हो जाएंगे और ये नेड अल्ट्रॉन को डाउन करेगा। अल्ट्रॉन ने डाउन होने से पहले दो नॉक कर दिए ऑलरेडी एंड यहाँ पे टीम एक्सपाक इस फाइट को बड़ी आसानी से जीत सकती है बट थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। स्काउट दूर से हेल्प करने का प्रयास जरूर कर रहे बट इनके टीम में अल्ट्रॉन को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, वहां पे उनके पास कोई नहीं था। बट चलिए 8 फिनिशेज हैं जिसमें से 5 तो हमको अल्ट्रॉन के देखने को मिले। बात करते हैं टीम सोल की, पोजिशनिंग जरूर ली बट यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे अक्षत फिलहाल के लिए, उनको रिवाइव ओमेगा की तरफ से जरूर देने का प्रयास रहेगा। इस सेंटर को कंप्लीटली होल्ड कर पाना इतना आसान नहीं है बट अगर कर लेते हैं बहुत अच्छा होगा। प्लेयर्स बचे हुए हैं यहां पे नजर आएंगे, एक न्यू प्लेयर और स्काउट इन टीम एक्सपार्क इन टॉप 7। जी हाँ बिल्कुल, देखते हैं किस कलर अब आपको यहाँ पे और बढ़िया परफॉर्मेंस आते दिखेगी इन टीम्स की। 7 टीमें हैं, 22 प्लेयर्स हैं गोब्लिन की तरफ से। यहाँ पे टीएक्स न्यू प्लेयर के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। गुमलुमॉन इज गोइंग फॉर द बैंडेजेस बट सही टाइम पर गोब्लिन जो कि काफी पीछे थे स्प्रे कनेक्शन दिखाएंगे और उनको भी कंफर्म करेंगे केनरी ऑन दिया है यहाँ पर, जल्दी हो जाए और उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। दूसरी तरफ ग्लोबल ईस्पोर्ट्स और टीएक्स हमको फाइट करती हुई नजर आती है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स रोजॉक से रोटेट करके वाटर सिटी के आसपास से निकलती है और अब टीएक्स की तरफ से भी रिप्लाई बैक जाता है, नकुल को टेक डाउन करके फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। सो ये जो फ्लश गेम चल रही है इंस्टेंटली नॉक फिनिश, ये मुझे ज्यादा पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट चलिए एक 3v3 की फाइट हमको अब देखने को मिलेगी। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के ऊपर प्रेशर पुट अप किया जा रहा है, ये लीजिए दूसरा नॉक हमको जोकर के ऊपर देखने को मिलेगा। तीसरे अडमाइनो डाउन हो जाते हैं, आखिरी खिलाड़ी मान्या बचते हुए नजर आएंगे। एक 1v3 का सिचुएशन, क्या मान्या क्लच कर सकते हैं? एक ओपन स्पॉट किया, एक के साथ प्ले करने का प्रयास, काफी सारा डैमेज बट पोजिशन मान्या। Once he is exposed, अब 3 players एक साथ आएंगे। एक अच्छा नेड यहाँ पे पूरा का पूरा गेम पूरे के पूरे पन्ने पलट सकता है। क्या ये नेड कुछ करेगा? The answer is no, मान्या उनके साथ माइंड गेम्स खेली जा रही है। And new player is gonna prove his worthiness. And यहाँ पे 4 finishes के साथ TX is on a move. एक लाइन ऑफ फायर में आपके प्लेयर को रोक लिया गया था, क्या होता है अब यहाँ से, क्योंकि 4 फिनिशर्स तो ऑलरेडी आपको टीएक्स के पास भी आता दिख चुके हैं बट एक प्लेयर को आपने गवाया है, अल्ट्रॉन को गवाया है। सेंसी की तरफ से यहाँ पे हैदराबाद हाइड्रास के स्ट्राइकर के ऊपर एक स्ट्राइक दी जाएगी, उनको टेक डाउन किया जाएगा। एंड नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट द फाइट्स आर गोना स्टार्ट वेरी वेरी सून।
15 मिनट के आसपास का समय हम देख चुके हैं, आधा गेम हमारी नजरों के सामने से पूरी तरीके से जा चुका है, बट अभी भी आधा गेम बचा है। एंड इस पूरे के पूरे टाइम पे, इस आधे गेम के अंदर हमें देखना है कौन सी टीम रहेगी जो कि पिकअप्स निकाले। एंड मावी, व्हाट वाज दैट स्प्रे, वही कल बर्स्ट करेंगे? स्प्रे भी नहीं था एक्चुअली, अगर ध्यान दे प्यार से धीरे करके स्प्रे एंड टैप टैप्स का कॉम्बिनेशन था जो कि वही कल बर्स्ट करेगा, प्लेयर्स को टेक डाउन करेगा। एनिग्मा सैगी भी यहां पे डीबी का इस्तेमाल करेंगे, बट मावी इज ही गोइंग टू गो फॉर द फाइट, इज ही गोइंग टू गो फॉर द क्लच? कार्तिक की तरफ से यहां पे ब्राइन के किल पर के ऊपर एक नॉकआउट आ जाएगा, एक 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 करके ब्राइन की टीम मुसीबतों में फंसती जा रही है। आई थिंक इसके साथ ब्लाइंड के लिए दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, बट अभी के लिए बात करें एनिग्मा सैगी, ग्रेनेड इन द एयर, लेट्स सी क्या ग्रेट कुछ कनेक्शन झूठ पाएगा नहीं, अभी तक तो पॉसिबल एम सही से नहीं बैठा था, उसका फायदा उठाया, ईवी को भी स्पॉट किया, उनको भी टिक डाउन किया। एनिग्मा, दे आर नॉट एट ऑल लुकिंग दैट शार्प एनीमोर, अभी इज वेटिंग, बट आई डोंट थिंक यहां से कुछ खास हो पाएगा, बट थर्ड पार्टी इज ऑल्सो कमिंग, एक्सो के स्नैक्स यहाँ पे आपको टीएक्स के मावी को भी राउंड कर देगी, एक का देख लगातार इसी पर्टिकुलर एज के तरफ फाइट्स आपको पूरी तरीके से पुश होती दिख रही है। एंड यहाँ पे डेड प्लेयर भी पिकअप निकालेंगे, मावी का कंफर्मेशन आ जाएगा, न्यू प्लेयर भी कंफर्म हो जाएंगे, आइकॉनिक यहाँ पे गोबलू वन को टेक डाउन कर देंगे, एंड ये लीजिए रेकनिंग के प्लेयर 4 यहाँ पे वीरू के ऊपर एंड फोन का चला दिखाएंगे, एंड वीरू को कंफर्म भी कर जाएंगे। एनिग्मा भी लेट्स सी क्या करते हैं अभी के लिए अके We'll be right back.